भाई आप देखिए तो यहाँ से हम गए पीआईए के फ्लाइट से 4 बजे हाँ लाहौर, हाँ और वहाँ पहुँच गए 5:30 बजे अपना लाहौर में। हाँ अच्छा, वहाँ पर हमने इंतजार किया 3-4 घंटे। उसके बाद उज़्बेक एयरलाइन से हम बैठे और 2.5 घंटे में पहुंच गए ताशकंद। यानी रात को 1 बजे। हाँ, अच्छा सीधे हम फिर गए होटल ताशकंद में कैसे उतर गए के। होटल कैसे गए? वो हमारे जो वहां पे हमारा वो था ट्रेवल एजेंट, उसके हर कार्य खड़े हुए थे एयरपोर्ट पर, और उन्होंने जनाब गाड़ी का इंतजाम किया हुआ था। उसमें हम बैठे और ताशकंद वो उज्बेकिस्तान होटल जो है बिल्कुल सही है। वहां पर उज्बेकिस्तान होटल जो है वो बहुत बड़ा होटल था। देखा है मैंने। तो वहां पर हाँ वो आप एक कमरे में वो चला गया, एक दूसरे कमरे में मैं चला गया लेटे। इसमें तो और सुबह हो गई होगी, 4-5 बज गए होंगे। हाँ, फिर सुबह हो गई। फिर उसके बाद जनाब दूसरे दिन से हम फिर ताशकंद घूमे। लेकिन सुबह बहुत देर और में उठे होंगे फिर। नहीं, कोई इतनी देर में नहीं उठे, जल्दी उठ गए थे। और नाश्ता चूंकि वहां पर वो था कम्प्लीमेंट्री, तो मैं तो उठ गया था, मैं तो जाके नाश्ता कर लिया। विकास जो है वो सोया पड़ा रहा, तो वो देर में उठा तो नाश्ते का टाइम गुजर चुका था। ये तो बड़ा खास है जवानों का। वो फिर उसके बाद उसने वहां दूसरी जगह नाश्ता किया, कच्चा खिलाड़ी और है उसके वकास। बाद हाँ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट जो है वो मैं भी नहीं छोड़ता, हाँ लेकिन ये कि वो देर तक सोया रहा। क्या उसके बाद फिर ये कि हम गए मुख्तलिफ अच्छा, जगहों पर। आपको आपको रेट कैसा मिला वहां पर जो है पैसे भुनवाने का? वहां पर जो ऑफिशियल रेट था वो तो $1 में 3,700 उज़्बेक थे। सही है। अच्छा, और बाजार में 7,000। नहीं भाई, हाँ भाई, दुगने का फर्क। हाँ दुगने का फर्क। अच्छा, लेकिन आपने क्या एयरपोर्ट से करवा लिए थे ये सोम? नहीं, एयरपोर्ट से वकास ने करवा लिए थे $50 के सोम। हाँ एक पूरी गड्डी मिल गई थी। वो तो हाँ, अच्छा रेट नहीं होगा वो एयरपोर्ट पे। वो तो अच्छा ऑफिशियल रेट था। तो वो उसके बाद फिर ये हुआ, दूसरे दिन जनाब वो घूमे फिरे। हाँ कैसे घूमे फिरे? क्या मेट्रो से गए? ताशकंद नहीं, मेट्रो से नहीं गए हम, बाकायदा उससे गए टैक्सी से। असल में हमने एक 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 वो ले लिया था वहां पर, वो होटल वालों ने इंतजाम कर दिया था, बल्कि हमारे ट्रेवल एजेंट ने कर दिया था कि वो 2.5 घंटे का पूरा शहर जो है वो बस से उसने वो करवा दिया। तो हम और वरकार जो है उसमें बहुत ही तस्वीरें उसने ली हैं, भेजी हैं। हाँ, उसी रंग बिरंगी बस है। तो वो जनाब हर जगह हम गए, और जाने के बाद वो सब देखा वेखा, फिर आए, फिर खाया पिया, फिर जनाब वहाँ बारिश हो रही थी, ढूंढते फिरे भाई कि किसी तरीके से वो पैदल का रास्ता था, उसका नाम लो अमीर तैमूर का म्यूजियम। तो वो बारिश भी हो रही थी, वो हम गए भी तो मालूम हुआ कि वहाँ अमीर तैमूर का म्यूजियम जहाँ हम गए वो था नहीं, वो दूसरी जगह था। दूसरे दिन यही रहा, पूरे दिन हम घूमते रहे, पूरे बस के ऊपर वो टूर रहा, और पूरा हर चीज देखी वहाँ की ताशकंद की। और उसके बाद जरा वो हम वापस आ गए। फिर शाम को चूंकि बारिश हो रही थी इसलिए हम दोनों गए पैदल,
कि भाई अमीर तैमूर का वो देख लें म्यूजियम, वो अमीर तैमूर का म्यूजियम मिला नहीं, चुनांचे फिर वापस आ गए। और बारिश बे इंतहा हो रही थी और छतरी भी नहीं थी, इसलिए हम लोग फिर होटल ही में रहे। मैंने तो आपको बता दिया था कि मैंने आपको बता दिया था कि बारिश है अगले दो दिन, आप क्यों नहीं लेके गए छतरी? ये तो मैंने कहा खास से कि सुमन तौर ने बतला दिया। अच्छा खैर, फिर उसके बाद तीसरे दिन जनाब सुबह ही सुबह हम वो नाश्ता किया और सीधे चेकआउट किया और जनाब चल दिए वहाँ अफरोसयाब। अफरोसयाब जो है वो बुलेट ट्रेन, उससे उसके समरकंद के लिए जी, उससे अफरा से आपसे 3 घंटे में हम समरकंद पहुंच गए ताशकंद से, बल्कि 2 घंटे कुछ मिनट में। सही है। फिर वहां पर हम अपने होटल गए समरकंद में। होटल जो है वो बिल्कुल अमीर तैमूर के मजार के बिल्कुल बाजू ही में था। आइडियल समझे? हाँ, वो बिल्कुल बाजू ही में था। अच्छा, वो पुराना शहर था और जिसमें के फिर वो बीबी जान का मजार भी था, वो अमीर तैमूर की बेगम ने, फिर वहाँ मदरसे भी थे, वो सारे सब कुछ देखे। दूसरे दिन जुमे का दिन था, कुछ लोग मस्जिद में थे और कुछ लोग मस्जिद के बाहर यूं ही बैठे हुए थे, वो तो वहीं से दुआ मांग ली उन्होंने, अंदर ही नहीं गए, ज्यादातर लोग बाहर ही खड़े रहे। अच्छा, अब वो सब देख दाख के फिर हम गए वहाँ टैक्सी की और हम गए इमाम बुखारी के मेजोलियम पे, वहाँ से करीब 28-30 मील दूर है। तो वो वहाँ भी गए इमाम बुखारी के मजार के ऊपर, वहाँ देखते रहे सब कुछ रहे, फिर वापस आए। तो फिर रेगिस्तान है वहाँ, रेगिस्तान वो उसमें पुरानी इमारतें हैं, वहां भी देखा। फिर इस तरीके से 2 दिन हमारे वहां रहे समरकंद में। फिर हम जनाब तीसरे दिन पहुंचे बुखारा, अफरोसयाब से बुखारा। और बुखारा में जनाब फिर हमने टैक्सी की एयरपोर्ट से और सीधे पहुंचे सोलोमन इन। और सोलोमन इन में जाके वो कमरे हमारे रिजर्व थे, ट्रेवल एजेंट ने रिजर्व करवा दिए थे। तो वहां पर वो तो बिल्कुल बुखारा में जो हमारा होटल था सोलोमन इन, वो उसी जगह पर था जहां पर के सब पुराना शहर था। पूरे दरवाजे बने हुए, कहीं किसी का मजार है, कहीं किसी का। एक तो ये कि वहाँ अंग्रेजी में लिखते नहीं है, वो सारा उज़्बेक में और रशियन में था। तो हमारे कुछ समझ में ना आए कि किसका मजार है, क्या है, किसकी मस्जिद है, किसका मदरसा है इमारतें सब देखने वाली। और वो सब हम घूमते रहे, घूम घूम के फिर ये सब वो कर करा के फिर वापस 2 दिन इसी तरीके से रहे। वहां फिर हम गए उनके मजोलियम पे, क्या नाम है उनका, बाउद्दीन नक्शबंदी। तो नक्श जहां से वो सारे सुन्नियों के नक्शबंदी और वर्दी और ये सब निकले हैं, वो उनके वो सारे सब वो देखा। तो सब तस्वीरें वकास ने बहुत ली हैं, बहुत लीजिए। तो अब वो जरा वो आके वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर जनाब 2 दिन इस तरह से हमारे गुजर गए। जरा वहां खाया पिया भी और उसके बाद फिर यानी अपना पैदल टूर भी किया। तो वो फिर करा के फिर हम जनाब 2 दिन गुजरने के बाद सीधे आए। अब की दफे अफरा से आप नहीं मिली, लेकिन 6 घंटे की का सफर था।